डन। हेलो स्टूडेंट्स, असी कर रहे हैं क्लास नाइन्थ चैप्टर है साडा 14 स्टैटिस्टिक्स। सो जिस दी एक्सरसाइज है साडे को 14.4। सो जिस दा फर्स्ट क्वेश्चन सानू दिता गया है कि 10 मैचों विच कीते गए गोल। सो 10 मैच जिहड़े ने खेडे गए ने एक फुटबॉल टीम दे द्वारा। सो जिस विच 10 मैचों विच गोल किन्ने होए? पहले मैच दे विच गोल होए 2, दूसरे च 3, फिर 4, फिर 5, फिर 0, फिर 6वें मैच दे विच साडे को एक गोल कीता गया, 7वें च 3, फिर 8वें च 3, फिर 9वें च 4 रन, फिर 10वें दे विच फिर 3 गोल जिहड़े कीते गए। सो हुण ये जिहड़े मैच खेडे गए 10, इन्हां दे विचों असीं फाइंड की करना है? मध मान, जिसनों असीं बोलते हाँ मीन। सो एक्स दे उपर बार दे नाल दर्शाते हाँ। दूसरा साडे को मध्यिका, जिसनों असीं कहिंदे हाँ मीडियन, सो जिसनों असीं एम दे नाल दर्शाते हाँ। तीसरा साडे को बहुलक, जिसनों असीं बोलते हाँ मोड, सो जिसनों असीं जैड दे नाल दर्शाते हाँ। सो ये तीनों सानू फाइंड करन नू कहे गए हन। सो सब तो पहला असीं मीन, मीडियन अते मोड दी गल करदे होए तुहानू दसदे हाँ कि इस दी साडी इंट्रोडक्शन दीआं जो क्लासेस हन उस दे विच इस दे बारे बहुत ही डिटेल दे नाल जिहड़ा कि दस्सिया गया है। सो सब तो पहला उन्हां क्लासेस नू वेखणा बहुत जरूरी है, जिस दा लिंक जिहड़ा है तुहानू इस वीडियो दे डिस्क्रिप्शन दे विच दे दित्ता जाएगा। सो सब तो पहला उस क्लास नू वेखणा है, फिर तुसीं इस दे क्वेश्चन जिहड़े करन दी कोशिश जिहड़ी उह करनी है। सो उस पूरे कंसैप्ट तों बाद ही असीं इस नू पूरी तरह जाण सकांगे। सो सोल्यूशन वेखदे हां असीं। सब तो पहला बेशक मीन फाइंड करना है, मीडियन करना है, जां तुसी मोड फाइंड करना है, तां जो भी अंकड़े दिते गए हैं उन्हां नू असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर च दर्शाना है। कादे च? असेंडिंग जां डिसेंडिंग ऑर्डर च, जिसनों असीं बोलते हाँ वधदे जां घटदे क्रम दे विच। ठीक है, सो हुण असीं इस नू असेंडिंग ऑर्डर बनाने हाँ। असेंडिंग ऑर्डर, सो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि असीं वधदे क्रम लिखने हैं, जिस दे विच सब तो पहला साडे कोल छोटी संख्या आएगी, उस तो बाद साडे को उस तो थोड़ी जी जिहड़ी वड्डी होएगी वह आएगी, फिर साडे कोल उस तो भी जिहड़ा वड्डी होएगी वह आएगी, फिर साडे कोल उस तो होर वड्डी संख्या आएगी, फिर साडे कोल इस तरह का पैटर्न जिहड़ा उह बनदा जाएगा। सो देखो सब तो छोटा, फिर उस तो वड्डा, उस तो वड्डा, उस तो वड्डा, उस तो वड्डा। ठीक है, सब तो छोटी संख्या देखो कि साडे को 0, फिर साडे को आता है 1। सो 1 एक टाइम ही आ रहा है, 1 2 वेख लो एक टाइम आ रहा है, 2 फिर 3 वेख लो, 1 2 3 4 चार बारी आ रहा है, 3 3 3 और 3 फिर 4 आ रहा साडे को, फिर आया साडा 4 भी 2 बारी है, फिर है साडा 5। सो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो 10 मैच साडे को कंप्लीट होंदे हन। हुण असीं क्वेश्चन ते आंदे हां अपने मीन ते। तो जो साडा मध मान जिसका असी सिंबल लिखते हैं एक्स के बार, सो इसका फॉर्मूला की होता है? सारे परेखणा का जोड़ डिवाइड बाय परेखणा की संख्या। सो सम ऑफ ऑल ऑब्जरवेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जरवेशनस। हुण इस दी गल करिए तां इहदा कंसैप्ट है कि इह तां सानूं इंट्रोडक्शन दी क्लास विच पूरा कंसैप्ट क्लीयर हो जाएगा, पर थोड़ा जिहा तुहानूं दस दिंदा हाँ कि मान लो कि इह साडे कोल टोटल जिहड़े गोल बनते हैं जदों असीं इहनां नूं ऐड कर लाँगे, सम कर लाँगे, जोड़ लाँगे, तां साडे कोल कुल गोल आ जाणगे किन्ने होए, तां असीं उसनूं डिवाइड कर देंगे 10 दे नाल जिन्ने साडे कोल मैच आ, तां सानूं इह पता लग जाएगा कि जेकर असीं इहनां गोलां नूं बराबर बराबर मैचां हर मैच में बराबर बराबर करते तो इक्वल इक्वल करते तो साढ़े को किन्ने गोल एक मैच के जोड़े होने से। सो देखते हाँ साढ़े को एक मीन किन्ना आता है। सो सब तो पहला साढ़े को सारे का जोड़ आएगा 0 + 1 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3। सो 4 × 3 साढ़े को, हाँ जी क्लीयर। सो इस तरह ही 4 साढ़े को 2 टाइम, फिर साढ़े को आ गया 5। सो साढ़े को किन्ना टोटल बनता है इन्हों का, असं देखते हाँ 5 × 4 9 9 × 13 13 × 3 16 3 19 19 × 22 22 × 3 25 25 × 2 27 27 × 28 + 0 साढ़े को कितना हो गया 28। सो साढ़े को आ गया 28/10। सो इसनों जो डिवाइड करेंगे तो साढ़े को आएगा 2.8। सो ध्यान रखना कि डिवाइड करने की लोड नहीं है, जो भी नीचे साढ़े को 10 होवे तां उपर जो भी संख्या होवे तां तुसीं राइट साइड तो सज्जे पासे तो एक अंक छड्डना है, तां पॉइंट जिहड़ा उह लगा देना है, तां तुहाडा आंसर जिहड़ा उह आ जाएगा।
जे 100 आ जाए नीचे 100 आ जाए तो 2 पॉइंट छड़ दो, जे 1000 आ जाए 1000 आ जाए तो 3 साढ़े को डिजिट थानू छड़ने पैणगे। सो ये साडा पहला क्वेश्चन हो गया साडा जो असी अपना मीनिंग जां मध्यमन किया है। फिर साडा आता है मध्यिका जिसनों असी एम दे नाल दर्शाते हैं। हुण मध्यिका लई सानू सब तो पहला अंकड़िया का पता होना चाहिए कि साडे को जिस्त विच आ रहे हैं जां टांक विच आ रहे हैं। सो असी लिखते हाँ अंकड़िया की संख्या वो साडे को है जिस्त है। सो जिस्त होवे टांक होवे ये तुहानू सारा कुछ इंट्रोडक्शन चो क्लीयर होगा। सो हुण साडे को जिस्त है मतलब कि ईवन दे विच है बराबर किन्नी है 10, तो साडे को मध्यिका होएगी वो की होएगी एन बाय टू थर्ड टर्म। ये साडे को टर्म जिहड़ी वो साडा आंसर होएगा। सो साडे को एन किन्ना आता है एन आता है साडा यही साडे को नंबर ऑफ टर्म्स किन्नियां साडे को 10 हैं साडे को जिन्ने अंकड़े हैं ये साडे को है 10/2 इधर लिखते हैं असी थर्ड टर्म। सो साडे को आ गया एम इज इक्वल टू 2 1 2 2 5 10 फिफ्थ टर्म आ गया। सो फिफ्थ टर्म देखो हुण देखो कंसैप्ट थानू इत्थे क्लीयर हो गया कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर क्यों बनाने असी। सो जां तां तुसीं छोटे तो वड्डे वाल लिख लो जां वड्डे तो छोटे वाल लिख लो। असी छोटे तो वड्डे वाल लिखिया असेंडिंग ऑर्डर बनाया है जां वाधे क्रम लिखे हैं तो हुण असी फिफ्थ टर्म इस दे विच वेखांगे किहड़ी आउंदी है। ठीक है जे तुसीं इस दे विच फिफ्थ टर्म देखोगे तो तुहाडे को देखो किहड़ी आउंदी है 1 2 3 4 5 0 आउंदा है। ठीक है पर इत्थे जिहड़ा अंकड़े हन साडे को सीकुएंस नहीं हन। हुण इत्थे देखो 1 2 3 4 5 तो साडे को फिफ्थ पोजिशन ते की आ रहा है साडा हुण जो साडे को अंकड़े की संख्या या नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन ये जो अंकड़े साडे को जो ईवन आते हैं जिस्त आते हैं तो साडे को मध्यिका का फॉर्मूला की होंदा है एम इज इक्वल टू एन बाय टू थर्ड टर्म प्लस एन बाय टू प्लस 1 थर्ड टर्म। सो इन दोवों की साडे को एवरेज सो डिवाइड बाय 2। सो एम बराबर एन किन्ना साडे को 10/2 इत्थे लिखदे हां असी थर्ड टर्म प्लस ये आ गया साढ़े को 10/2 प्लस 1 थर्ड टर्म ये साढ़े को आ गया डिवाइड बाय 2। सो साढ़े को आंदा एम इज इक्वल टू 2 1 2 2 5 10 2 1 2 2 5 10 साढ़े को आ गया फिफ्थ टर्म। सो प्लस ये देखो 5 ते 1 6 प्लस 1 6 6 टर्म। सो ये थोड़े को हमेशा इस तरह ही आएगा जेकर ये फिफ्थ आता है 6th आएगा जे 7 है तो ये 8 आएगा तो डिवाइड बाय 2 एम इज इक्वल टू हुण फिफ्थ टर्म देखो साडे को इस अंकड़े दे विच किहड़ी आंदी है 1 2 3 4 5 3 आंदा है साडे को फिफ्थ ते 6th आंदा है साडे को फिर साडा 3 ही आंदा है। सो साडे को फिफ्थ आ गई 3 6th भी 3 आ गई साडे को डिवाइड बाय आ गया 2। सो दोवां नूं ऐड कीता साडे को आ गया 6/2 सो 2 1 2 2 3 6 साडे को कैंसल करके आ गया 3 जां 3। सो इसलिए साडा जिहड़ा मीडियन है जां साडी जो मध्यिका है एम किन्ना आ जांदा है 3 आ जांदा है। सो इसका मतलब यह होया मध्यिका का मतलब की होंदा कि सारे अंकड़ों दो बराबर भागों में जो वंड दिंदी है अद्धे अंकड़े उस तो अगे रह जाते हैं तो अद्धे अंकड़े उस तो पिछे जोड़े वो रह जाते हैं। सो फिर साडे को आता है बहुलक मूड मूड जां बहुलक जिसनों असीं कहिंदे आ जैड। सो यह की होंदा है साडे को अंकड़ों विच जिहड़ा वी अंकड़ा ज़्यादा वारी आउंदा है ओ अंकड़ियां दा बहुलक हुंदा है। इसलिए साडे को जैड किन्ना है साडा 3 क्योंकि 3 जिहड़ा है साडे को 1 2 3 4 बाकी अंकड़ों के नालों ज़्यादा वारी जाने के 4 वारी आ रहा है। सो इसी साडा क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करता जिहड़ा क्वेश्चन है थानू क्लीयर हो गया होगा। जेकर वधिया लगा है तो लाइक जरूर करना है वीडियो नू। सो दूसरे बच्चों तक शेयर जरूर करना है।
सो चैनल सबसक्राइब और बैल आइकन दबाना ना भूलना। सो थैंक यू, मिलते हैं नैक्सट क्लास में नैक्सट क्वेश्चन के नाल।